हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है अर्थशास्त्र के प्रमुख शब्दावली। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। पहला शब्दावली है अनुदान, जिसे इंग्लिश में सब्सिडी कहा जाता है। सरकार से मिलने वाले वित्तीय सहायता या आर्थिक मदद अनुदान कहलाता है। नेक्स्ट है अतिरेक बजट, जिसे इंग्लिश में सरप्लस बजट कहा जाता है। ऐसा बजट जिसमें सरकार की आय उसके व्यय से अधिक होता है, अतिरेक बजट कहलाता है। नेक्स्ट है अधिविकर्ष, जिसे इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जमाकर्ताओं द्वारा बैंकों से अपने कुल जमा की तुलना में अधिक धन निकाल लेना अधिविकर्ष कहलाता है। नेक्स्ट है अर्थमिति, जिसे इंग्लिश में इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की वह पद्धति जिसमें आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन गणितीय व सांख्यिकीय तकनीकों की सहायता से किया जाता है, अर्थमिति कहलाता है। नेक्स्ट है अर्थोपाय अग्रिम, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब सरकार की प्राप्तियाँ व्यय से कम हो तो इस व्यय के अधिक को पूरा करने के लिए RBI के द्वारा अस्थायी रूप से जो अग्रिम या सहायता दिया जाता है उसे अर्थोपाय अग्रिम कहते हैं। नेक्स्ट है अभ्यांश या कोटा, किसी वस्तु के आयात पर लगाया गया एक भौतिक नियंत्रण जिससे एक निश्चित सीमा के बाद किसी वस्तु का आयात नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है आयात शुल्क, जिसे इंग्लिश में इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। किसी वस्तु के आयात पर लगाया गया कर आयात शुल्क कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन या इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक विकास की ऐसी पूर्व नियोजित पद्धति जिससे एक निश्चित अवधि के लिए योजना बनाकर विभिन्न क्षेत्रों का विकास किया जाता है, आर्थिक नियोजन कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक समृद्धि, जिसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहा जाता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था के आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना आर्थिक समृद्धि कहलाता है। नेक्स्ट है आर्थिक विकास या इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी देश की अर्थव्यवस्था की आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक ढांचे में भी मौलिक परिवर्तन होना आर्थिक विकास कहलाता है। नेक्स्ट है आयात कोटा या इंपोर्ट कोटा, किसी वस्तु के आयात पर लगाई गई मात्रात्मक सीमा आयात कोटा कहलाता है। नेक्स्ट है आरक्षित पत्र मुद्रा, बिना उपयुक्त रिजर्व रखे कागजी मुद्रा को चलन में ले आना आरक्षित पत्र मुद्रा कहलाता है। नेक्स्ट है खुला व्यापार या फ्री ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं के आगमन पर किसी प्रकार का सरकारी नियंत्रण न हो, खुला व्यापार या फ्री ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट है कर परिहास या टैक्स एवॉइडेंस, कर अदायगी से बचने हेतु करदाता द्वारा नियमों की कमियों का सहारा लेना कर परिहास कहलाता है। नेक्स्ट है केंद्रक क्षेत्र, जिसे कोर सेक्टर भी कहा जाता है। आर्थिक विकास के लिए जिन मूलभूत क्षेत्रों का विकास आवश्यक होता है उसे केंद्रक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है कार्टेल, समान वस्तु के उत्पादन या सेवा में लगे फर्मों या उद्योगों द्वारा बनाया गया संगठन कार्टेल कहलाता है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।